कि भारत भाग्य विधाता जन में, के गोद में बिहस महू छावनी अंदर, धन रहा सैनिक हॉस्पिटल आए ज्ञान समंदर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म सैनिक हॉस्पिटल में होता है कि 1891 रहल है, बाबा साहब अम्बेडकर। हमारा दलित समाज, 85 समाज के लोग आपका ऋणी है आजीवन। आज शिक्षा सम्मान अधिकार आपका देन है। अछूतों का शिक्षा वर्जित मनु विधान बनाया, छूत जात बात चरम सीमा पर था। बाबा साहब अंबेडकर 5 वर्ष के अवस्था में जब विद्यालय पर गए, छात्र नहीं बल्कि शिक्षक लोग भी बर्ताव किया करते थे। पानी नहीं मिलता था उनको पीने के लिए, एक दिन की बात उनको चपरासी पानी पिलाता था बाबा साहब अंबेडकर को। चपरासी छुट्टी पर था, घड़ा में पानी रखा हुआ था लेकिन कोई पीने नहीं दे रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जब पानी पीने गए, अध्यापक डांट करके कहा, तुम शूद्र हो, तुम यस्सी हो, तुम चमार हो, तुम्हें पानी नहीं मिलेगा। बाबा साहब अंबेडकर होते घर आए, माँ भीमाबाई के गोद में माई से रो करके कहने लगे कि माई, हम पानी ले करके कल से जाऊंगा, हमको पानी नहीं मिला, हम कब तक प्यासे रहेंगे। रमा यानी भीमाबाई के आंखों से आंसू चल दिया कि बेटा, मैं तुम्हें बार बार मना किया कि तुम पानी पी करके जाओ, नहीं तो पानी ले करके जाओ। धन है बाबा साहब अंबेडकर, आपने प्यासा और भूखा हमको आजादी दिलाया है। अछूतों का शिक्षा वर्जित मनु विधान बनाया, जाति पाति
का भेद भयंकर रच मानव को फसाया। दूसरी लाइन में कहना है कि मैट्रिक पास किए 1907 में बढ़ा है कुल का मान। कि बीए एम ए करके गए अमेरिका के दरमियान। कहना है कि अर्थशास्त्र इंग्लैंड से पढ़ के भारत में तब हुआ। कि झकझोर दिए मनुवाद को ईंट से ईंट बजाए। लास्ट बात में कहना है रमन गुरु बिहारी गुरुवर राम समुझ गुण गाए। कहते कवि श्याम सुंदर जी बाबा आजादी लाए।